पकड़ा और कहा, ये देख, ये पुष्प के ऊपर मड़राता हुआ जो भौरा है ना, ये मेरा सांवरा है। ये ब्रज की लताए हैं, ये मेरा सांवरा है। ये कालिंदी की कलकल में मेरा सांवरा है। कालिंदी पटरानी है। कालिंदी से कहा, आपको कभी लगा कि आपसे कन्हैया जी दूर हैं? बोले, कभी नहीं। मैं रमण रेती के हर कण को मेरे श्याम के होने के आभास से हृदय को लगाता हूं, इसलिए मेरा सांवरा मुझसे दूर हो ही नहीं। और उद्धव जी, रही बात बंधन की, तो श्वास श्वास से राम रटी, श्वास श्वास में राम रटी, धरत रहो ध्यान, कबहू तो दीन दयाल को भनक पड़े। प्रणाम कर लेते, तुझे पता भी है हम कर क्या रहे थे? क्योंकि तू नश्वर को देखने वाला प्राणी है। तू जो देखता है वो सत्य नहीं है, शाश्वत। ये संसार दिखाई पड़ रहा है, परिवार रहता है क्या? परिवार रहता है क्या? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। पेड़ हमने लगाया, हम फल खा पाएंगे क्या? हम कहते हैं हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारा बेटा, पर सबके प्रारब्ध तो अलग अलग है। गोपियों ने कहा, सुनो, जो जाएगा ना उसका क्या परवाह, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं, क्योंकि मोहब्बत में सिकवा नहीं, शुक्रिया होता है। जिनकी सांसों में है श्याम प्यारे, उनकी मस्ती जहां से निरारे, और जो है चढ़ती उतरती हर पल, वो हकीकत में मस्ती नहीं। अरे उद्धव, जब तुमसे ज्ञान की बात कर रहे थे तो अंतर मन से हम हमारे कन्हैया को जाप कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, और अगर एक पल के लिए वो ध्यान हट जाता तो मेरा श्याम मुझसे दूर हो जाता, जो हम कभी होने नहीं देना चाहते। और एक बात ध्यान रखें हम आप भी, कि अगर हमने अपने प्रभु को निष्काम भाव से बंधन नहीं किया तो मुख का चंदन भी शोभायमान नहीं होता। जैसे गंदगी निकाले बिना बंदगी नहीं स्वीकार होती। क्या है आप बताइए, आपका पुत्र, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका संसार, सब क्या है? एक दिन जाने हैं हमको। जैसे हम होटल को रेंट पे लेते हैं उसी तरीके से जिंदगी है। कि डोली तेरी सजी, डोली मेरी शादी की डोली जा रही थी और एक मौत की अर्थी जा रही थी, दोनों बातें करने लगे। डोली दोनों है कि डोली तेरी सजी, डोली मेरी सजी, बताते सखी डोली तेरी सजी, डोली तेरी सजी, डोली तेरी सजी, डोली तेरी सजी, फर्क तो न क्या है, बताते
सब कुछ समाता है, अंतर क्या है ये तो बता दे। चली मैं हूँ पी के चली, तू
गीता कहता है जिसका अंत सुधर गया उसी मानव का जीवन सफल है। हमारी माता जी से 5 भाई पैदा हुए, 2 बहनें पैदा हुई। कहने के लिए हम एक परिवार हैं, लेकिन प्रारब्ध तो सबके अलग अलग हैं। पर ऐसा नहीं होता तो सबसे ज्यादा प्रेम कौशल्या राम को करती थी, वनवास कैसे मांग लिया? प्रमाण है, एक बार भगवान खेल रहे थे, दशरथ ने बुलाया, राम जी ने कहा मैं वेद को बुलाया नहीं जाता, कौशल्या बुलाए मैं नहीं जाता, और कैकेयी ने बुलाया तो मेरे राम भाग कर चले आए क्योंकि प्रेम का निरादर नहीं कर सकते। ये सांसारिक व्यवस्था से हम बंधे हुए हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा नाना है, नानी है, लेकिन प्रारब्ध तो सबके हैं, अलग अलग हैं। ये जीवात्मा प्रारब्ध में जो करके आई है वैसा ही भोग होगा, नहीं तो महाराज दशरथ को 4 पुत्र हुए, अंतिम में एक भी पास नहीं थे। और संतों की वाणी व्यर्थ नहीं होती, स्मरण कराएं भगवान के लिए। जब अपने गुरु भगवान के घर वशिष्ठ जी गए थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं तो बहुत पहले से इंतजार करता था, तू आना मेरे पास, मैं तुझे बहुत से पार कर दूं। ठाकुर कहता है एक बार मेरी चरणों में आओ, नर से नारायण बना दूंगा। लेकिन पुत्र मिला, पुत्र सुख, आत्मदेव को एक सन्यासी ने अपने तप के बल से फल दिया, ले जाओ और धांगनी को खिला दो, पुत्र होगा। लेकिन पुत्र सुख मिला? आप स्वयं को देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति को देखना होता है जिसके आगे ना पीछे, और उसकी अंतिम यात्रा में करोड़ों लोग होते हैं, लाखों होते हैं। जब वो जाता है तो लोग रोते हैं, और एक के 5 पुत्र होते, अंत में कोई खड़ा भी नहीं होता। ये प्रारब्ध का खेल है, संचित प्रारब्ध और वर्तमान व्यक्ति के ये 3 कर्म है। कन्हैया जी द्वारिका में आ चुके हैं, कल ऐसे द्वारिका में पहली कथा हो रही है मेरी। रिश्ते तो पुराने हैं, 15-20 साल रहा हूं मैं द्वारिका में। जहां तक मुझे ज्ञान है 3 द्वारिका के बारे में मैं जानता हूं, और कोई द्वारिका है तो आप बता देना। मूल द्वारिका, भेंट द्वारिका और द्वारिका। कृष्ण को द्वारिका का राज करने योग किसने बनाया? राम को विद्याएं किसने दी? हमें सीखना चाहिए, हमें मूल रूप से जीवन जीना है, और हम जीवन जीना भी चाहते हैं, पर जीवन जीने की कला को ही भूल बैठे। आप अगर खुश रख सकते हो किसी को तो अच्छी बात है, नहीं जो जिसमें खुश है खुश रहने दो ना। अगर हम खुश नहीं रह सकते तो खुश रहने दो। कन्हैया जी की लीलाओं का अगर हम वर्णन करें तो आप समझ लें कि जितने अवतार हुए सबको अधूरा माना गया है, और कृष्ण के अवतार को पूरा माना गया, क्योंकि ये 16 कला अवतारी हैं। और उन अवतार का
व्यास जी ने जो वर्णन किया है, पंचभूत शरीर, 10 इंद्रियां और 1 मन, और ये आप में भी है, हम में भी है, सब में है। तो बात वही आ गई ना कि साधन है, साध्य करना नहीं आता। साधन है आपके पास, साध्य करना। अब देखिए, राधा ने कन्हैया को चाहा, भाव करके देख लीजिए। कुछ लोग कहते ना, मिलके ना होंगे जुदा कसम खा लें। शादी से पहले आई लव यू, शादी के दिन हाय मेरी चंद्रमुखी, 20 दिन में फट जाए ज्वालामुखी, 3 महीने में हाथ उपहास, 8वें महीने में डाइवर्स। राधा ने कांधा से विवाह नहीं किया, नहीं लिए फेरे राधा ने। यही नहीं, सती से ज्यादा प्रेम गंगा ने शिव से किया है। पढ़ना पुराणों को तो ज्ञान आएगा। क्यों तिवारी बाबा, उमा से सती से ज्यादा प्रेम गंगा ने किया ना? उसने परित्याग किया, त्याग किया तो शिव ने अपने मस्तक पे जगह दे दिया। बिना त्याग के वैराग्य के भक्ति नहीं मिलती। मन शंकर जी ने जगह कर दी। निर्ममता देख लीजिए, भगवान के दोनों पुत्र हैं, दोनों की दो मांग मानी गई ना। फेरे लेने से बात अलग नहीं है। और भगवान शंकर के दोनों पुत्र एक भी शरीर से उत्पन्न नहीं है। फिर ये मर्यादा है, औपचारिकता है, फेरे लेना, विवाह करना। अगर आपस में समर्पण नहीं है तो बिल्कुल ढाक के 3 पात, 36 को 63 कैसे बनाए, ये हमारा विवेक होना चाहिए। हम बताइए, शिव जी की 2 पूजा होती है, सकल और निष्कल, दोनों स्वरूप में होती है, मूर्ति स्वरूप में और लिंग स्वरूप में भी, बाकी और देवताओं की नहीं होती है। शिव के कार्तिकीय और गणेश दोनों शिव या सती से गर्भ धारण करके उत्पन्न किए हुए नहीं है। न्याय देखिए, देवाधिदेव महेश्वर का, कि एक की मां अगर गौरा सती उमा पार्वती कहलाती है तो दूसरे की मां का उपनाम गंगा भी रखा गया। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। शरीर से मल उतार करके उसमें प्रविष्ट करके, ध्यान देना, प्रविष्ट करके गणेश को बैठाया गया, रक्षक बैठाया गया था, मां सती आने गई थी। ठीक है, गणेश के बारे में सबको पता है। एक समय था जब भगवान शंकर से सती ने निवेदन किया कि महाराज मुझे भी तंत्र का बोझ दे दो, क्योंकि शिव से बड़ा कोई तांत्रिक। शिव ने कहा मैं दूंगा, लेकिन यहां आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें बिना दीक्षा के नहीं दी जाती। शिक्षा विद्यार्थी को दी जाती है, विद्याधनार्थी अस्त विद्यार्थी, लेकिन दीक्षार्थी को वो विद्या दी सकती है। घोरी, साबर, सुलेमानी। अब कभी हमारे आश्रम पे आएंगे तो हम दिखाएंगे तंत्र होता क्या है। सती को बैठा दिया सामने और तंत्र का वो जैसे बढ़ा भी दिया। सती ने हाथ फैलाया, शिव दे रहे हैं, मध्य में से सूर्य देवता लेकर भाग गए। सूर्य देवता उसको लेकर भाग गए, उन्हें वर्चस्व सहन नहीं हुआ और ले जाकर उसे गंगा में डाल दिया। गंगा ने उसका पालन किया।